जय जगन्नाथ। ओडिशार प्रिय भाई ओ भवनी मान को मोर सादर नमस्कार। ओडिशार वीर माटी खोर्धा व ओडिया वीर मान को ओ ओडिशार स्वाभिमान ओ पाइक विद्रोहर केंद्र बिंदु बरुणई पा देशरु प्रणाम जनाउची। पुण्य भूमि ओडिशा में 3 महीने में दूसरी बार आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए खुशकिस्मती है कि इस भूमि पर मुझे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद के साथ साथ आप सभी का भी असीम स्नेह मिलता रहा है। साथियों, वीरता, शौर्य, साहस और सर्वोच्च बलिदान की पवित्र मिट्टी खोर्धा के बरुणई में आकर मैं धन्य हो गया हूं। पाइक विद्रोह के महान सेनानियों चक्रवर्ती सम्राट खारवेल के उत्तरदायात जय राजगुरु बक्सी जगबंधु माधव चंद्र राउत राय पिंडी की बाहु बलेंद्र कृतिवास पाठसाणी समेत सभी वीरों इस संघर्ष से जुड़े हर सेनानी को मैं नमन करता हूं। उत्कल जननी की संतान चाखी खूंटिया वीर सुरेंद्र साय माधो सिंह हाथी सिंह चक्रा बिशोई बाजी राउत लक्ष्मण नायक मधुबाबू गोपबंधु दास डॉक्टर हरेकृष्ण महताब कृष्णचंद्र गजपति पवित्र मोहन प्रधान रमा देवी मालती देवी अन्नपूर्णा देवी और पार्वती गिरी समेत हर महान व्यक्तित्वों को मैं श्रद्धापूर्वक सत झुका करके आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज जब क्रांति की धरती पर खड़ा हूं तब मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि पाइक क्रांति के 200 वर्ष पूरे होने पर आज भारत सरकार ने एक विशेष डाक टिकट और एक विशेष स्मृति सिक्का जारी किया गया है। जिन चीजों को इतिहास में भुला दिया जाता था उसे हम देश की नई पीढ़ी के सामने लाने का हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं। इसके साथ ही पाइक क्रांति के नायक बक्सी जगबंधु के नाम उत्कल यूनिवर्सिटी में चेयर की भी शुरुआत हुई है। अपने गौरवपूर्ण इतिहास को संजोने के इस प्रयास के लिए भी मैं ओडिशा के जन जन को बधाई देता हूं। साथियों, आज सुबह ही मैंने हम सभी के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में 100 रुपये का एक सिक्के को जारी किया है।
उस कार्यक्रम के बाद अब जब मैं आपके बीच आया हूं तो एक बार फिर अटल जी को याद करना चाहता हूं। याद इसलिए भी करना चाहता हूं क्योंकि ओडिशा के लोगों के प्रति अटल जी का विशेष लगाव रहा है। 25 दिसंबर कल उनकी जन्म जयंती भी है। भाइयों और बहनों, जब केंद्र में अटल जी की सरकार थी तो ओडिशा के गांव गांव को सड़कों से जोड़ने का अभियान चला था। 20 साल पहले यहां जो चक्रवाती तूफान आया था उस दौरान अटल जी ने जिस संवेदनशीलता के साथ काम किया उसको आज भी यहां के लोग याद करते हैं। साथियों, ओडिशा के विकास के लिए अटल जी ने जो काम शुरू किया था उसको भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने गति भी दी है और उनका विस्तार भी किया है। विशेष तौर पर यहां कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं का मजबूत नेटवर्क बिछाया जा रहा है। थोड़ी देर पहले ही उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, हाईवे, तेल गैस से जुड़े 14,000 करोड़ रुपए के जिन प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है वो इसी कड़ी का एक हिस्सा है। उड़ीसा के मेरे भाइयों बहनों, आज एक कार्यक्रम में 14,000 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट, आप कल्पना कर सकते हैं कि उड़ीसा की प्रगति के लिए भारत सरकार कितनी जागरूक है, कितनी प्रयासरत है, एक के बाद एक निर्णय कर रही है, गंभीरता पूर्वक काम को आगे बढ़ा जा रही है। गांव और शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर पहले की अपेक्षा 5 गुना ज्यादा राशि ओडिशा में खर्च की जा रही है। तेज गति से नए हाईवे बन रहे हैं, नई रेलवे लाइनें बिछ रही हैं और नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। 3 महीना पहले ही झारसुगड़ा में वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डे का लोकार्पण किया गया है। ओडिशा की करीब 35 लाख गरीब बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 4.5 वर्ष पहले यहां सिर्फ 20% परिवारों के पास गैस का कनेक्शन था, आज ये दायरा करीब 70% हो चुका है। आने वाले समय में यहां के हर व्यक्ति के पास गैस कनेक्शन हो इसके लिए केंद्र सरकार दिन रात कोशिश कर रही है। उड़ीसा के 19 जिलों में पाइपलाइन के माध्यम से सस्ती रसोई गैस देने का काम भी तेज गति से चल रहा है। इससे जुड़ी एक बड़ी परियोजना का शिलान्यास कुछ समय पहले ही मुझे आज करने का मौका मिला है। केंद्र सरकार के प्रयासों से ओडिशा उच्च शिक्षा का सेंटर भी बन रहा है। आईआईटी भुवनेश्वर,
आईआईएम संबलपुर, आईसर ब्रह्मपुर जैसे संस्थान यहां के नौजवानों को नई ऊंचाई प्राप्त करने में मददगार बनेंगे। भुवनेश्वर में विश्व स्तरीय स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई है। इसके अलावा आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित 90 से अधिक एकलव्य स्कूल खुलवाए जा रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक ऋण उड़ीसा के युवा उद्यमियों को दिए जा रहे चुके हैं। उड़ीसा में कोई भी गरीब बेघर न रहे, इसका प्रयास भी केंद्र सरकार निरंतर कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ओडिशा में करीब 12 लाख घरों का निर्माण किया गया है। वहीं करीब 18 लाख किसान परिवार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े हैं। फसल खराब होने की स्थिति में अब तक 1700 करोड़ रुपए से अधिक की मदद किसानों को दी जा चुकी है। भाइयों और बहनों, इन सारे प्रयासों को समग्रता में देखें तो हमारा एक ही लक्ष्य है, उड़ीसा का, हमारे उड़ीसा का चौतरफा विकास, उड़ीसा के लोगों का, यहां के नौजवानों, महिलाओं, किसानों, उद्यमियों का विकास। इसी को विस्तार देते हुए थोड़ी देर पहले ही पारादीप से हैदराबाद तक की पाइपलाइन का भी शिलान्यास किया गया है। इस पाइपलाइन से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और हवाई जहाज का ईंधन, इसकी सप्लाई और आसान होगी। साथियों, ओडिशा में पेट्रोलियम व पेट्रोकेमिकल सेक्टर में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। इससे यहां के नौजवानों के लिए भविष्य में रोजगार के अनेक नए अवसर बनने वाले हैं। पारादीप में प्लास्टिक पार्क, पॉलीप्रोपिलीन प्लांट और भद्रक में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है। चंडीखोल में स्ट्रेटेजिकल ऑयल रिजर्व बनने वाला है। वहीं भविष्य के ईंधन यानी बायोफ्यूल का भी बड़ा सेंटर ओडिशा बनने जा रहा है। बरगढ़ जिले के बाउलसिहा में एक बायोफ्यूल प्लांट की स्थापना की गई है। साथियों, इसी तरह की अनेक बड़ी परियोजनाओं पर आज ओडिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। बावजूद इसके, ओडिशा के विकास की जो सच्चाई है उससे आप सभी भली भांति परिचित है, और इसलिए ही अब ओडिशा में आवाज उठ रही है, एक नई चेतना की, एक नई गति की, एक नई ऊर्जा की। इस आवाज को ओडिशा के नौजवानों, यहां के मछुआरों, यहां के किसान, यहां की महिलाओं के अनेक सवालों से भी इस आवाज को बल मिलता है, समर्थन मिल रहा है। मैं आपके ही इन सवालों को दोहराना चाहता हूं। आखिर जब देश में स्वच्छता का दायरा 97% हो चुका है, तब ओडिशा में खुले में शौच से मुक्ति के अभियान में
ओडिशा आज पिछड़ क्यों रहा है, ओडिशा में भी उसे भी दुर्बल राज्य आज आगे निकल चुके, लेकिन ओडिशा हिलने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर ओडिशा के होनहार युवा अपना घर छोड़ने को, पलायन को मजबूर क्यों है? आखिर ओडिशा की बहनें, यहां के बच्चे कुपोषण का निरंतर शिकार क्यों हो रहे हैं? आखिर राज्य में डॉक्टरों के आधे से ज्यादा स्वीकृत पद खाली क्यों है? आखिर ओडिशा का किसान बूंद बूंद पानी के लिए क्यों तरस रहा है? उसकी उपज की उपयुक्त खरीदी क्यों नहीं हो रही है? आखिर ओडिशा के बड़े हिस्से को पीने का साफ पानी क्यों नहीं मिल रहा? क्यों यहां के शिक्षकों को अपना वेतन पाने के लिए भी धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है? आखिर क्या वजह है कि चिट फंड से लेकर पीसी कल्चर तक भ्रष्टाचार का दानव ओडिशा में इतना शक्तिशाली हो गया है? वो कौन है जो इस दानव को दाना पानी दे रहा है? साथियों, इन सवालों का जवाब जितना स्पष्ट होगा उतना ही आगे का रास्ता भी साफ होगा, उतना ही केंद्र सरकार ओडिशा के लोगों के विकास के लिए बढ़ चढ़ करके काम कर पाएगी। भाइयों और बहनों, आज ओडिशा का जन जन ये सवाल भी पूछ रहा है कि आखिर आज भी ओडिशा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उससे क्यों नहीं जुड़ा है? अगर ओडिशा इस योजना से जुड़ जाता तो यहां के गरीब लोगों को भी देश भर के अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती। अगर ओडिशा का कोई नागरिक लखनऊ गया है, अचानक हार्ट अटैक आ गया, अगर वो इस योजना का हिस्सा होता तो लखनऊ में भी मेरी अपनी बीमारी का उपाय कर सकता था, बिना पैसे कर सकता था, लेकिन वो ओडिशा के लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। ओडिशा में भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होता, सैकड़ों नए अस्पताल खुलते, हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनते, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। साथियों, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीबों को देश भर के बड़े बड़े अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। सिर्फ 100 दिन के भीतर भीतर ही देश भर के 6 लाख से ज्यादा गरीब बहन भाई जो दो दो तीन तीन साल से पीड़ित थे, पैसों के अभाव में उपचार नहीं करा पा रहे थे, उन्होंने इस योजना का लाभ उठाया, 6 लाख मरीजों को फायदा हुआ। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना है कि इसमें ओडिशा का एक भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ओडिशा सरकार इस योजना के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ओडिशा में आप जो नई व्यवस्था चाहते हैं, जिस दिशा में ओडिशा को ले जाना चाहते हैं,
उसके बाद आपके राज्य के लोगों को भी आयुष्मान भारत योजना का पूरा लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, केंद्र सरकार ओडिशा के स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य में 5 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए गए हैं। आज ईएसआई के अस्पताल के विस्तार कार्य के बाद उसका लोकार्पण भी किया गया है। पहले ये सिर्फ 50 बेड का अस्पताल था, अब 100 बेड का आधुनिक हॉस्पिटल बन गया है। साथियों, ये अस्पताल गवाह है कि पहले ओडिशा के लोगों के स्वास्थ्य को किस तरह नजरअंदाज किया गया है। साल 2009 में, यानी करीब करीब 10 साल पहले, यह तय किया गया था कि भुवनेश्वर के इस अस्पताल को 50 बेड से 100 बेड का किया जाएगा। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। पूरे 5 साल चलने के बाद 2014 में वो सरकारें चली गई, लेकिन ये अस्पताल 100 बेड का नहीं हो सका। इस काम को पूरा करने का काम केंद्र की भाजपा सरकार ने ही किया। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार आपकी जरूरतों, आपकी आवश्यकताओं को देखते हुए फैसला लेती है। पूरी संवेदनशीलता के साथ आपकी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास कर रही है। अब किसानों के लिए महत्वपूर्ण स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का ही उदाहरण लीजिए। कई वर्षों से देश में मांग हो रही थी कि स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट को लागू किया जाए, लेकिन जितने दिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही वो हाथ पर हाथ धरी बैठी रही। इस ऐतिहासिक फैसले को लेने का काम भी बीजेपी की केंद्र सरकार ने किया। हमारी सरकार ने धान सहित 22 फसलों का समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना तय किया है। लेकिन यहां के किसान भाई बहन वो कह रहे हैं कि उनको धान का, फसलों का जितना समर्थन मूल्य भारत सरकार ने तय किया है, यहां की व्यवस्था के अभाव के कारण, किसानों के प्रति संवेदनशीलता के अभाव के कारण स्थानीय सरकार पूरी तरह उसमें पिछड़ गई है। किसानों को लाभ मिल नहीं रहा, लिहाजा उन्हें पड़ोसी राज्यों का रुख करना पड़ रहा है। इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए, जब किसान को फायदा नहीं हो रहा तो ये फायदा किसकी जेब में जा रहा है, किसके घर में जा रहा है। साथियों, किसानों की स्थिति सुधारने के लिए, उन्हें फसल की उचित कीमत दिलाने के लिए देश में नई व्यवस्थाओं के निर्माण के कार्य में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुटी हुई है। 70 साल से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसने किसानों का कितना भला किया है, इसके हम सभी गवाह रहे हैं। इसलिए केंद्र की भाजपा सरकार बीज हो, खाद हो, सिंचाई हो या मंडी, हर स्तर पर समस्याओं को जड़ से ही सुधारने में जुटी है। लागत कम हो, मूल्य ज्यादा मिले,
बिचौलिए बीच से खत्म हो, इसके लिए निरंतर प्रयास चल रहे हैं। किसानों और उपभोक्ताओं के बीच बिचौलिए न रहे, इसके लिए किसान को मंडियों से इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए जोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, किसान की फसल बाजार तक आसानी से पहुंच जाए, दूध फल सब्जी का नुकसान ना हो, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज की चेन विकसित की जा रही है। किसान की आय बढ़ाने के लिए सिर्फ खेती के साथ साथ इससे जुड़े दूसरे व्यवसायों जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और मछली पालन, उस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथियों, ओडिशा के पास तो एक लंबा समुद्री तट है। मछुआरे बहन भाइयों के लिए कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। हमने 7,500 करोड़ रुपए के एक नए फंड को मंजूरी दी है। इस फंड से मछुआरे बहन भाइयों को मछली पालन के व्यवसाय से जुड़ने की इच्छा रखने वाले किसान परिवारों को रियायती दरों पर कर्ज दिया जाएगा। साथियों, इस तरह किसानों की आय बढ़ाने के लिए बीज से बाजार तक की एक संपूर्ण व्यवस्था को नए सिरे से वैज्ञानिक सोच के साथ, तकनीक के साथ जोड़कर खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि से जुड़े हर इंफ्रास्ट्रक्चर को नई तकनीक के साथ जोड़ा जा रहा है। नई अप्रोच के साथ नई व्यवस्थाओं के निर्माण में, उन्हें स्थायी स्वरूप लेने में समय जरूर लगता है, लेकिन फिर भी अगर निरंतर प्रयास करते हैं तो स्थितियां तेज गति से बदलती है और हम बदल करके दिखा रहे हैं। साथियों, हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खेती किसानी को लेकर ओडिशा में क्या स्थिति है, इसके आप सभी साक्षी हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। साथियों, याद करिए, चुनाव से पहले वादा किया गया था कि राज्य की 10 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई से जोड़ा जाएगा, 10 लाख हेक्टेयर जमीन को। लेकिन मुझे बताया गया है कि काम सिर्फ 22,000 हेक्टेयर जमीन के लिए हुआ है। 10 लाख का वादा और निभाया सिर्फ 22,000। वो वादा था, जो जमीनी सच्चाई है उसका अंतर बहुत बड़ा है। साथियों, इसी अप्रोच की वजह से यहां कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं अनेक वर्षों से लटकी हुई है। स्थिति यह है कि ओडिशा के एक तिहाई से भी अधिक ब्लॉक में करीब 70% जमीन सिंचाई की सुविधा से वंचित है। साथियों, ये तब है जब ओडिशा में बैतरणी, ब्राह्मणी, इंद्रावती, साउथ कोयल और सुवर्णरेखा की पंचधारा बहती है। ये तो वो संसाधन है जो किसानों के साथ साथ ओडिशा के दूसरे नौजवानों के जीवन को भी बदल सकती है। अपने संसाधनों पर विश्वास करके जब योजनाएं बनती हैं तो उसके परिणाम भी निकलते हैं। नदियों का इस्तेमाल सिर्फ सिंचाई के लिए ही नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट के बड़े माध्यम के रूप में किया जा सकता है।
इसी सोच के साथ केंद्र की सरकार देश भर में 100 नदी मार्गों को भी विकसित कर रही है। हाल में आपने देखा होगा कि देश में पहली बार कोलकाता से वाराणसी तक किस तरह गंगा नदी पर एक बड़ा जहाज चलाकर वहां से सामान भेजा गया। इसी तरह का काम ओडिशा में भी तमाम नदी मार्गों के लिए भी चल रहा है। केंद्र सरकार इस पर 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। जब ये जलमार्ग तैयार हो जाएंगे तो यहां नए उद्योग स्थापित होंगे, ओडिशा में ही विकास और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर, विकास के विश्वास को लेकर ओडिशा में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरी है। हम मिशन पर निकले हुए लोग हैं, न्यू इंडिया के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए जन जन को जोड़ने में लगे हुए लोग हैं। विकास का विश्वास लिए, सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चल रही भाजपा आपके आशीर्वाद की आवश्यकता, हमने हमेशा आपके आशीर्वाद को अनुभव किया, आपके प्यार को अनुभव किया है। इतनी भारी संख्या में जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आप इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, ये आपका स्नेह, ये आपका प्यार, आप कैसा उड़ीसा देखना चाहते हैं, उड़ीसा में कैसी गति चाहते हैं, उड़ीसा में कैसी ऊर्जा चाहते हैं, नया उड़ीसा बनाने के सपनों को लेकर के किस प्रकार से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इसका संदेश इस समागम से मैं अनुभव कर रहा हूं। आपकी ये ताकत, आपका ये सामर्थ्य आपके सपनों को पूरा करके रहेगा, ये मैं अनुभव कर रहा हूं। भाइयों बहनों, अगर इतनी बड़ी तादाद में उड़ीसा की माताएं बहनें, उड़ीसा का किसान, उससे उड़ीसा का नौजवान अगर ये खड़ा हो गया है तो मैं साफ देख रहा हूं भविष्य क्या है। जन जन का मन किस और है ये समझने में देर नहीं लग रही है। भाइयों बहनों, जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है। ये आपका हौसला, ये आपका जुस्सा उड़ीसा के गांव गांव पहुंचेगा, उड़ीसा के गांव गांव पहुंचेगा, उड़ीसा के घर घर पहुंचेगा, हर नौजवान को जोड़ेगा, हर किसान को जोड़ेगा, हर माता बहनों को जोड़ेगा। आप उड़ीसा में ताकत पैदा करेंगे, उड़ीसा का भाग्य बदलेंगे, उड़ीसा को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, हर तबका का भला करेंगे, हर इलाके का भला करेंगे, हर इंसान का भला करेंगे। अगर इतने सारे सपने हैं तो जगन्नाथ के आशीर्वाद भी आपके साथ है। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, इतने प्यार, इतने उत्साह, इतने उमंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद।